अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आप सबको वेलकम है खाना पकाना दिल से में। और आज मैं बिगनर के लिए शेयर कर रही हूँ चिकन बिरयानी की रेसिपी। बहुत आसान है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे कि तो आपकी भी बिरयानी इतनी अच्छी बनेगी। सबसे पहले बिरयानी के लिए हमें चाहिए 1 kg चिकन, साथ में चाहिए तकरीबन 4 से 5 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज, 4 से 5 अदद टमाटर, 2 खाने के चम्मच हमें चाहिए दही। दही में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रही। हरा धनिया और पुदीना हमें चाहिए आधी प्याली, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इमली का गूदा है मेरे पास फ्रीज हुआ हुआ तकरीबन 1 प्याली, और बिरयानी मसाला है मेरे पास वो 4 से 5 खाने के चम्मच में शामिल करूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 खाने के चम्मच, लेमन जूस है 5 खाने के चम्मच, फूड कलर हमें थोड़ा सा चाहिए और हरी मिर्चें चाहिए जी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है चावल। चावलों को मैंने भिगो के रख दिया पानी में अच्छी तरह से धोने के बाद। और एक पतीला लेना, उसमें आपने ऑयल के बाद आपने डालने चाहिए उसमें प्याज। और प्याज का जब कलर आ जाएगा तो अभी आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। ऑयल की क्वांटिटी भी बिल्कुल कम नहीं रखनी। अभी आप देखें हल्का हल्का कलर प्याजों में आ रहा है, अब गोल्डन कलर आ चुका है। थोड़ा सा और मैंने कलर निकालना है, उसके बाद इसमें शामिल कर देना है लहसुन अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा चम्मच चलाएं ताकि लहसुन और अदरक भी थोड़ा सा पक जाए। उसके बाद शामिल कर दें चिकन जी। और चिकन शामिल करने के बाद आपने 5 से 7 मिनट के लिए चिकन को भी फ्राई करना है इस ऑयल में। अभी आप देखें कि चिकन का कलर भी चेंज हो चुका है, थोड़ा सा गोल्डन नज़र आ रहा है। इस पॉइंट पे मैंने शामिल कर दिया है टमाटर। टमाटरों को शामिल करने के बाद साथ ही मैंने डाल दिया बिरयानी मसाला और फिर से मैं भुनाई शुरू कर दूंगी। चिकन में वैसे मैंने पानी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अगर आपको ज़रूरत पेश आए तो आप हल्का सा छींटा पानी का भी लगा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप के पास जो चिकन है वो गलने में कितना टाइम लेता है। वैसे तो चिकन जल्दी ही गल जाता है, आप देख लें मैंने कितना इसको किया फ्राई किए भुना कि बिल्कुल ऑयल बाहर आ गया। और उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया लेमन जूस और फिर से भुनाई शुरू कर दी जो हम बिरयानी के लिए कोरमा बना रहे हैं। और साथ में मेरे पास जो 2 टेबलस्पून या 2 खाने के चम्मच दही था उसको मैंने शामिल कर दिया। और जब अच्छी तरह से पानी खुश्क हो जाएगा तो मैं शामिल कर दूंगी इमली का गूदा। अब इस पॉइंट पे मैंने इमली का गूदा शामिल कर दिया, फिर से बुनाई शुरू कर दी। अब लास्ट में थोड़ा सा मैंने क्या किया कि बिरयानी मसाला शामिल कर दिया। इससे काफ़ी अच्छी खुशबू आती है, टेस्ट भी काफ़ी मज़े का लगता है। लेकिन जब बिरयानी का मसाला शामिल किया और हरी मिर्चें और हरा धनिया पुदीना भी मैंने शामिल कर दिया, फिर उसके बाद मैंने फिर से भुनाई की। इतनी भुनाई की कि बिल्कुल ऑयल सेपरेट हो गया और कलर भी अच्छा सा आ गया चिकन का। क्योंकि जितनी अच्छी भुनाई करेंगे बिरयानी में टेस्ट चिकन का उतना अच्छा आएगा। अगर वाइट वाइट चिकन रहेगा तो ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। अभी आप देख सकते हैं किसी भी चीज़ को आप मेहनत से बनाएंगे उस चीज़ का टेस्ट भी अच्छा आएगा, वो चीज़ अच्छी भी बनेगी। अभी बिरयानी का ये होता है कि बस एक टेक्निक है, बार बार जब आप बनाते हैं कोई भी चीज़ तो प्रैक्टिस हो जाती है। तकरीबन बिरयानी के लिए कोरमा तैयार है लें जी। अब इसके लिए हम कर देंगे चूल्हे को बंद, कर देंगे साइड पे इस कोरमे को जो बिरयानी के लिए तैयार हुआ है। दूसरी साइड पर मैंने रख दिया, एक पतीले में पानी डाल दिया और उसमें तकरीबन 1 किलो अगर आपके पास चावल हैं, 4 प्यालियाँ बनती हैं तो उसमें 8 नॉर्मल खाने के चम्मच आप नमक डालें या उसके ज़रूरत डालें। साथ में मैंने ज़ीरा डाला, पुदीना डाला थोड़ा सा और बादियान का फूल डाला और ऑयल भी शामिल कर दिया और चम्मच को चलाया अच्छी तरह से। चावल जब आप शामिल करते हैं पानी में तो उस टाइम जब बॉयल आ जाए तो आप चावलों में नमक चेक किया कीजिए, क्योंकि उस टाइम एग्जैक्ट पता चलता है कि नमक और डालना ज़रूरी है या नहीं। इसलिए मैं अक्सर अपनी वीडियोस में यही कह रही हूँ कि नमक हस्बे ज़रूरत डालें। स्पाइसेस भी आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं।
अब चावलों को मैंने शामिल कर दिया है पानी में बॉईल करने के लिए। अभी देखें, 2 से 3 मिनट के लिए जब मैंने चेक किया तो अभी भी चावल उतने नहीं बॉईल हुए जितना मुझे चाहिए थे। बहुत ज़्यादा चावलों को कच्चा रखने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी आप देख सकते हैं तकरीबन मेरे लिए जो मुझे चाहिए बिरयानी के लिए चावल वो तैयार हैं। उनको मैंने ग्रेन कर लिया, चावलों को दूसरी साइड पे। आप इस साइड पे उसी पतीले में मैंने क्या किया, नीचे ऑयल डाला थोड़ा सा, एक तह जो है वो मैंने चावलों की लगाई, फिर सालन की लगाई। वही नॉर्मल जो प्रोसीजर है आपने करना है जो बिरयानी बनाते हुए अक्सर हम करते हैं, क्योंकि मैंने ज़्यादा लेयर नहीं लगाई। मैंने 1 kg के हिसाब से आप लोगों को क्वान्टिटी बताई है, सो बड़ी आसानी से बन जाती है। सबसे मेन चीज़ है कि आपने जब ये लेयर लगानी है तो आपने कितनी देर तक दम देना है चावलों को। अक्सर ये होता है, लोग कहते हैं कि जैसे अगर किसी के पास इंडक्शन है तो वहाँ पे थोड़ा सा चावलों में दम आने में टाइम लगता है, तो आप सेंटर में थोड़ा सा होल बना के उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें, उसके बाद आप स्टीम दें तो उससे भी काफ़ी जल्दी स्टीम आ जाता है चावलों को। लेकिन तकरीबन 20 से 25 मिनट मैंने दम लगाया बिरयानी को, और आप देख लीजिए बिरयानी बिल्कुल तैयार है। थोड़ा सा मिक्स करते हुए भी साइडों पे गिरी है, सो उसके लिए माजरत। और एक दफ़ा मैंने आपको दिखाने से पहले मिक्स किए थे चावलों को, क्योंकि मुझे ऐसे लगा था कि थोड़ी सी अभी कमी रह गई है दम देने में। अब डिश आउट में कर रही हूँ और लास्ट में मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसे लग रही है बिरयानी। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, सो ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। बहुत आसान रेसिपी है, मज़े की है। बिरयानी सबकी फेवरेट होती है, मेरी भी बहुत फेवरेट है, और सबके अपने अपने बनाने का तरीका है। मेरा जो तरीका था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आप पैकेट के मसाले से भी बना सकते हैं, मैंने होममेड बिरयानी मसाले से बनाया। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।